शायद आप भी टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करते होंगे या तो यूट्यूब पे आप वीडियोस अपलोड करते होंगे। इसी के लिए हमारे वीडियो की क्वालिटी या तो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोडक्ट की हमेशा जरूरत रहती है जिसका नाम है मोबाइल माउंट। तो ये मैं वीडियो इसी के लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू इस मोबाइल माउंट का, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट के आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सभी बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मैं हूं विपुल, आप तक सर्फेस्ट है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिना कोई टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग हमारे मोबाइल माउंट की। इसे मैंने परचेज किया है अमेज़ॉन से 299 में, मतलब 300 रुपये में आप बोल सकते हैं। इस मोबाइल माउंट को मैंने अपग्रेड करने का सोचा, सो इसके लिए मैंने इसको परचेज किया है। अभी बॉक्स के अंदर इतना बड़ा बॉक्स तो दे दिया है, लेकिन अंदर कोई छोटा सा बॉक्स भी नहीं है और डायरेक्ट खाली एक पन्नी में हमको मिल चुका है मोबाइल माउंट। फिर भी मैं आपको बॉक्स को ओपन करके दिखा देता हूँ कि कुछ भी अंदर बाकी नहीं, खाली है खोखा। वो वाला खोखा होता है अलग बात होती है। तो यहाँ पे खाली छोटी सी एक रैपर में हमको पैक करके दिया गया है। मेरे को इच्छा थी इसके अंदर भी एक छोटा सा बॉक्स आना चाहिए, कंपनी का ब्रांड होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, लेकिन जो भी है 300 रुपीज़ के अंदर ऐसी चीज़ तो हमको ऐसी मिलने वाली है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट है वो जो प्लास्टिक के मटेरियल से बना हुआ है। सो इस पूरे पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा आगे कि इसका माइनस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, जैसे कि ये 360 रोटेट भी कर सकता है और आसानी से हम इसको, जैसे कि मैं रिमूव कर दूंगा तो आसानी से हम यूज़ भी कर सकते हैं। और ये मोबाइल माउंट इतना सा स्ट्रेच होता है, इसके मतलब समझ सकते हो आपका थोड़ा बड़ा मोबाइल होगा तो भी आप आसानी से इसके अंदर अटैच कर पाओगे। अभी अनबॉक्सिंग के बाद इस प्रोडक्ट के मैं आपको प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट बताता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा था, जिसको ऐसे ऊपर से खींचने से हम आसानी से इसके अंदर मोबाइल माउंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक होल्ड करने की चीज़ आती थी ताकि हम इसको खींच पाए, लेकिन अभी हमको ऐसे खींचना रहता है। और नीचे से एक सरफेस में आता था रबर जिससे मोबाइल टिक जाता था। तो अभी मैं बताऊँ, अभी इसकी हालत क्या हो चुकी है, कुछ टाइम के बाद मोबाइल पूरा हाथ में आ जाता है, तो मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब पकड़ नहीं सकता। अभी इसी के मैं इसमें हमको मिल जाता है प्लस पॉइंट, क्यों? क्योंकि देखो इस मोबाइल को मैंने जैसे इसको माउंट किया तो इसने दोनों तरीके से आसानी से इसको पकड़ दिया है। अब मैं इसको कितना भी हिलाऊं, कुछ भी करूं, ये आसानी से इसको हैंडल कर रहा है। अब इसका मैं दूसरा प्लस पॉइंट बताऊं, जैसे कि हमको पहले मिलता था यहाँ पे बैकग्राउंड बैक में हमको कोई ऐसा सरफेस नहीं मिलता था रबड़ को, इससे जैसे कि हम बिना कवर के मोबाइल यूज़ करें तो थोड़ी सी स्क्रैचेस आ सकते थे, लेकिन अभी इसके अंदर हमको पूरा का पूरा बैक में हमको रबर का सरफेस मिल जाता है, जिसके थ्रू हम मोबाइल को ऐसे फिट करेंगे तो हमको कोई भी जगह इसके अंदर स्क्रैचेस नहीं मिलने वाले। अभी मैं इसका तीसरा प्लस पॉइंट बताऊं, जैसे कि हम अगर ये यूज़ करेंगे तो जैसे कि हम ट्राइपॉड में एक जगह फिक्स कर देंगे तो वो इधर से उधर मूव नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमको ट्राइपॉड को मूव करना रहता है। लेकिन अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हम आसानी से यहाँ पे पीछे से इसको थोड़ा सा लूज़ करना रहता है। जैसे हम इसको लूज़ कर देंगे हमारा मोबाइल पूरा का पूरा हम ऐसे आसानी से हम इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट हमको जो चाहिए हम 360 उसको टर्न कर सकते हैं। अब इसका दूसरा चौथा प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर इसको हम निकाल देते हैं तो हम डायरेक्टली हमारे ट्राइपॉड से इसको अटैच कर पाएंगे, ऐसे हम जैसे आसानी से अटैच कर पाएंगे। तो दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, हमको 360 चाहिए 360 या डायरेक्ट सिंपल चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। अभी मैं इस प्रोडक्ट के माइनस पॉइंट की बात करूं तो इसके अंदर जैसे कि हमको इसे खींचना पड़ रहा है और आप आवाज़ भी सुन सकते हो, इससे पता चल रहा है कि इसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो खास अच्छी नहीं है। और दूसरा इसका मैं आपको बताऊं तो ये ना आसानी से इसे बैंड भी हो रहा है, इसका मतलब इसका फ्यूचर ज़्यादा नहीं चलने वाला, थोड़े टाइम के बाद ये शायद डैमेज भी हो सकता है, उसके बाद सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का ओवरऑल कंप्लीटली रिव्यू बताने से पहले, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या तो इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट्स भी लाता रहता हूँ और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की मैं अनबॉक्सिंग या रिव्यूज़ भी करता रहता हूँ। तो अभी इस प्रोडक्ट पे आते हैं। इस प्रोडक्ट की मेरे को बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा इशू है, अगर हम छोटे ट्राइपॉड में इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये यहाँ से अभी से ही बैंड हो रहा है, जस्ट नया प्रोडक्ट है अभी से बैंड हो रहा है, तो फ्यूचर में थोड़ा टाइम के बाद इसको थोड़ा सा बैंड कर लोगे तो शायद टूट भी सकता है। और दूसरी में मेरे को इसके अंदर जो स्प्रिंग है उसकी क्वालिटी भी मुझे खास अच्छी नहीं लगी, फिर भी 300 रुपीज़ के अराउंड मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट का ओवरऑल प्राइस होना चाहिए था 200, तब जाके ये प्रोडक्ट हमको लेना चाहिए। बाकी अभी आप देख लीजिए कि आपको परचेस करना है कि नहीं। अगर आपके पास छोटा ट्राइपॉड है तो ये आपके लिए ऑप्शन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, 360 आपको पूरा पूरा रोटेट करता है। अगर आपका बस बड़ा ट्राइपॉड है तो आप डायरेक्टली सिंपल इसका भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो हम जो पहले मोबाइल माउंट यूज़ करते हैं, पहले से हम जो मोबाइल माउंट को यूज़ करते थे
वो हमारे मोबाइल को अच्छे से होल्ड नहीं करता, इसके लिए वो एंगल्स हमको सेट करने रहते हैं, लेकिन ये एक बार आपको स्टिक हो जाएगा फिर कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप मेरे को बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। सो तब तक के लिए बाय।